हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। स्टूडेंट्स, काफ़ी कॉलेज स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था कि हमारा एग्ज़ाम किस मोड में होगा और किस प्रकार से होगा। तो चलिए फाइनली जो आज के हम न्यूज़ में बताने वाले हैं, यानी आज का जो अपडेट है वो आप ही लोग के लिए है और ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आज ही के दिन जारी किया गया है, आप देख पा रहे हैं 21/4/2021। और छत्तीसगढ़ शासन जो उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय है उसके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, ये आदेश जारी किया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि किसका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और किन स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है, और इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार छात्रों की ये मांग रही है कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, यानी ऑनलाइन उनकी अभी पूरा इस साल पूरा उनका ऑनलाइन स्टडी हुआ है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की भी वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो बार बार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसी के संदर्भ में जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, आप यहाँ पास देख रहे हैं कि इसमें बताया गया कि COVID-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन प्रदेश के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 2020-21 के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन मोड में एवं अन्य समस्त परीक्षाएँ ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो देखिए, साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। और बाकी का जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी बताया गया है कि सभी परीक्षाओं की जो प्रैक्टिकल हैं, प्रायोगिक परीक्षाएँ हैं, वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ये सुविधा अनुसार लिया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये आपको एक बात बता दूं कि ये जो अभी आदेश जारी किया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और फिर भी इसके बावजूद भी ये जो आपके पास अगर देखा जाए फाइनल ईयर स्टूडेंट वालों के लिए ये ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ये केसेस बढ़ रहे हैं इस समय पे पॉसिबल तो नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है, जैसे कोई और भी ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो और ये देखिए, ये किस किस कॉलेज के लिए है, छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, देख सकते हैं आप ये लेटर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किसको किसको प्रदान किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सचिव माननीय राज्यपाल राजभवन रायपुर के द्वारा, फिर उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लिए, फिर कुशाबाऊ ठाकरे ये रायपुर के लिए, कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा ये भी बिलासपुर, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के लिए, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ये खैरागढ़, और यहाँ पास ये भी है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग निजी, और समस्त निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को ये लेटर प्रदान किया गया है और ये उनको आदेश जारी कर दिया गया है और वो जल्द से जल्द इस पर विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।